नमस्कार दोस्तों, आज हम आकर्षण के नियम के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करने वाले हैं। आकर्षण का संपूर्ण नियम इसी पहलू पर आधारित है और अजीब बात यह है कि ये जितना जरूरी है इसे इतना ही नज़रअंदाज किया जाता है। बिना देर किए आइए चलते हैं आकर्षण की दुनिया में और समझते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे दुनिया के 99% लोग समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में समझिए। ब्रह्मांड और पृथ्वी पर हर चीज़ वाइब्रेट करती है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपने जो सोचा वैसी ही परिस्थितियाँ आपके आसपास बन गई? यानी अगर कभी आप दुखी थे तो आपने और ऐसे विचारों को आकर्षित किया जिसने आपको और दुखी किया। आपने ऐसे लोगों को आकर्षित किया जिन्होंने आपके दुख पर नमक छिड़कने की कोशिश की, या फिर इसी दुख में अगर कहीं ना कहीं आपने सोचा कि चलो इतना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले ही पल आपके आसपास की परिस्थितियां सकारात्मक बनने लगी और आपके पास ऐसे लोग आए जिन्होंने उस परिस्थिति से बाहर निकलने में आपकी मदद की। ये सब कैसे हुआ? आप कहेंगे आकर्षण का नियम। लेकिन क्या यहाँ केवल एक आकर्षण का नियम ही काम कर रहा था? यहाँ एक और चीज़ काम कर रही थी जिसे आपको समझना चाहिए था। वो कौन सी चीज़ थी? कैसे इसे समझ लेने पर हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं? दोस्तों, ये चीज़ है वाइब्रेशन। जी हाँ, जिस प्रकार ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ वाइब्रेट करती है, उसी प्रकार हमारा मन भी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इंसानी प्रजाति में अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपने मन के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी खुद सेट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी के अनुसार हमारा दिमाग भी काम करता है और हमारी दुनिया में घटने वाली वास्तविकताएं प्रभावित होती हैं। पॉजिटिव विचारों को अपने मन में जगह देकर हम अपने जीवन में खुशी, प्यार और सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लोग आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते समय अक्सर हमारे मन के वाइब्रेट करने के नियम को नज़रअंदाज करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें हमारे मन के वाइब्रेशन की सही जानकारी नहीं होती। उन्हें ला ऑफ वाइब्रेशन के बारे में नहीं पता। ला ऑफ वाइब्रेशन से ही ला ऑफ अट्रैक्शन अलाइंड है। दोस्तों, हवा, आकाश, आग और पानी सब कुछ वाइब्रेट करते हैं और उनकी अपनी अनूठी फ्रीक्वेंसी होती है। हमारा भौतिक शरीर, हमारे अंग, रक्त, सभी जानवर, पेड़, फूल, नदियाँ, समुद्र, पत्थर, क्रिस्टल, मेटल्स सभी वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन का नियम कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे उसे देखा जा सके या ना, लेकिन वो वाइब्रेट जरूर करता है। अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने मन को हाई वाइब्रेशन पर सेट करना होता है। हम ये हाई वाइब्रेशन कैसे सेट कर सकते हैं? कैसे हम खुद को उस फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट पॉइंट पर वाइब्रेट करा सकते हैं जहां हमारी इच्छा ही हमारे जीवन में साकार रूप लेने लगती है? मैं इस वीडियो के अंत में आपको इसके टिप्स बताऊंगा, क्योंकि वो टिप्स तब तक आप व्यवहार में नहीं ला सकते जब तक आप अच्छे से ला ऑफ वाइब्रेशन को समझ नहीं लेते। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब इस तथ्य की खोज की तो उन्होंने पाया कि वास्तव में इस दुनिया में मौजूद हर पदार्थ में वाइब्रेशन के अलावा एक ऊर्जा भी पाई जाती है। इस दुनिया में 3 तरह के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप भी इन्हीं 3 ही कैटेगरी में से एक हैं। विज्ञान ने पाया कि पदार्थों से निकलने वाली ये एनर्जी भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। इन पदार्थों में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार मूवमेंट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि सब कुछ एनर्जी है, यानी वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के भी जड़ तक गए
और बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वैज्ञानिक दृष्टि से काम करता है। अब हम जान चुके हैं कि सब कुछ एनर्जी है और हमें अपनी रियलिटी बदलने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को उस डिजायर से मैच करना होगा जो आप अपने रियल लाइफ में चाहते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है बल्कि ये फिजिक्स है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम फिजिक्स के इस नियम को किस नाम से जानते हैं, बल्कि मायने तो ये रखता है कि हम इस रूल के प्रति सजग हैं या नहीं। जिस तरह हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की रिस्पेक्ट करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि हमारी धरती अपने केंद्र की ओर चीज़ों को आकर्षित करती है, ठीक उसी तरह हम में मौजूद वाइब्रेशन हमेशा काम करती है और उन सभी चीज़ों को एक्ट करती है जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे विचार कोई संदेश इस ब्रह्मांड में संप्रेषित कर रहे हैं और उसी संदेश का प्रतिउत्तर हम तक वापस आता है, यानी आपके विचारों का रिप्लाई ही आपकी रियलिटी है। अगर आप खुद को अबंडेंस में जीता हुआ महसूस करें तो आप उसे आकर्षित कर लेंगे। ये नियम हमेशा हर व्यक्ति पर काम करता है, ठीक उसी तरह जैसे इस ब्रह्मांड की बाकी यूनिवर्सल लॉज काम करते हैं। हम जो भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वो डायरेक्ट रिजल्ट है हमारी थिंकिंग का। ये थिंकिंग हमने पास्ट में अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर ली थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तक आप समझ गए हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है, हमारे वाइब्रेशंस का क्या रिजल्ट हमें रियलिटी में मिलते हैं, और इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को, अपने डिजायर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें एक मजबूत आधार के रूप में काम करती हैं। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आइए अब जानते हैं कि कैसे आप सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करके अपने गोल्स और डिजायर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और किन वाइब्रेशन को कंट्रोल कर हम उन बैरियर्स को हटा सकते हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन में बाधा रही। सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच का पैटर्न बदलना होगा। अपनी मन में ऐसे शक्तिशाली विचार लाने होंगे जो आपके लक्ष्य से मेल करते हों। आपको उन गोल्स को सोचना होगा, आपने विचारों के प्रति सजग होना होगा, क्योंकि हर चोट की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो वाइब्रेट करता है। इसलिए आपको कुछ समय पॉजिटिव थॉट्स को सोचने पर ध्यान देना चाहिए, उस वाइब्रेशन को फील करना चाहिए जो उस सोच से आपके आसपास बन रही है। अच्छा, अब आप उस वाइब्रेशन को महसूस कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, जैसा आप सोचें उसे आप फील भी करें, और ये बात केवल पॉजिटिव थॉट्स पर लागू होती है, क्योंकि अगर आप निगेटिव थॉट्स को फील करने लगेंगे तो आप ही जानते हैं कि आप रियलिटी में क्या मैनिफेस्ट करेंगे। तो जहाँ तक हो सके खुद को हर चैलेंजिंग सिचुएशन में, हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में खुशी, सांत्वना और नए अवसरों से भरे विचारों की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कराएं। यकीन मानिए, इस एक कला को सीखने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अक्सर हमारा मन कभी न कभी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है जहां उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए ये हमारे अंदर स्वाभाविक है कि कभी न कभी हम ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां हमें गुस्सा, डर, तनाव आदि भावनाएं महसूस होती हैं, और इसका न केवल हमारे मन मस्तिष्क पर बल्कि हमारी अपनी दुनिया में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर आप गलत फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो आपका जीवन उन अनावश्यक चीज़ों से भर जाता है जो आपकी खुशियों और शांति पर हावी हो जाती हैं, और आप अपने लक्ष्य से दूर होने लगते हैं। दोस्तों, अब इसका समाधान क्या है? इन नकारात्मक भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए शक्ति भी आपके पास
ही है, आप ही के मन के पास है। इसे आप सकारात्मक भावनाओं से रिप्लेस करके ठीक कर सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं कौन सी हैं? अपने आप को खुशियों के बीच विजुलाइज करना, खुशी से भरी इमोशंस को फील करना, उन लोगों के साथ समय बिताना जिनका सोचने का नज़रिया सकारात्मक हो, प्यार से भरी भावनाएं महसूस करना, अपने विचारों के प्रति सजग होकर तुरंत अपने निगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट्स से रिप्लेस कर देना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिनसे आपको खुशी मिले, नेचर के साथ समय बिताना, अच्छा म्यूजिक सुनना, इंस्पायरेशनल बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, इनसे आप में सकारात्मक भावनाएं आती हैं। और जहां सकारात्मकता का आवास होता है वहां से नकारात्मकता अपने आप चली जाती है। दोस्तों, अच्छे विचारों की उपज सुनिश्चित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छा महसूस भी करें। आप अच्छा कैसे महसूस करते हैं? जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अपना पूरा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो काम करें जिनसे आपका शरीर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ हो। अपनी सुबह की शुरुआत पॉजिटिव थिंकिंग से करें और रात को सोने से ठीक पहले ऐसे विचार सोचें जिनसे आपको अच्छी और गहरी नींद भी आए और अगली सुबह फिर से एक नई उमंग और तरोताजगी से आपके जीवन में खुशियों के नए अवसर आएं। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करिए, वो सबसे शक्तिशाली समय होगा जब आप खुद को वाइब्रेशंस की इस दुनिया में सबसे करीब और कनेक्टेड महसूस करेंगे। अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिविटी से भर दें, खुद का साथ हर परिस्थिति में दें, खुद को अप्रिसिएट करें। ऐसा करने से आपसे निकलने वाली वाइब्रेशंस सबसे हाईएस्ट रेंज को सेट करती है। एफर्मेशंस आपके मन से निगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। एक और बात दोस्तों, अच्छा सोचने के लिए अच्छा खाना भी खाएं और जंक फूड को अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो बहुत ही कम कर दें, जैसे हफ्ते या महीने में एक बार खाएं। वैसे तो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अचानक इन्हें छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए पहले इन्हें कम करें और फिर धीरे धीरे पूरी तरह छोड़ दें, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। दोस्तों, ये जो कला आप में है माफ़ करने की और अपने ईमान पर कायम रहने की, ये बहुत ही कम पाई जाती है। अगर ये आप में है तो यकीन मानिए आप सबसे दौलतमंद हैं। पैसा तो सब लोग कमा लेंगे, लेकिन वो जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता वो है आप में छुपी ईमानदारी और माफ़ करने की कला। जब आप दयालु होते हैं, किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो आप सबसे स्ट्रांग वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि इन भावनाओं में हमारा मन सबसे अच्छा महसूस करता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो एक अनोखी खुशी मिलती है, वो बिल्कुल अलग होती है। जब आप किसी की उम्मीद की एक किरण बनते हैं तो आप चमकता हुआ महसूस करते हैं, और यही चमक आपको आपके जीवन में एक एक्सपीरियंस लाकर देती है जिनके प्रति आप ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं। जहां नकारात्मकता विचार हमारी वाइब्रेशन को स्लो करते हैं, वहीं अच्छी और सकारात्मक विचार हमारे वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। आप जितना सकारात्मक महसूस करते हैं, जितना अच्छा महसूस करते हैं, आप उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी पर वायलेट करते हैं। अंत में दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझ गए होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस तरह आप अपने विचारों से मेल करने वाले अनुभवों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन में ठीक इसी तरह आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर सकारात्मक अनुभवों वाली परिस्थितियों और लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। इसी के साथ मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ एनर्जी और वाइब्रेशन से बनी इस दुनिया में अपनी खुशियों और हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं में वाइब्रेट करने के लिए। आप हमेशा वाइब्रेट करते हैं और इस समय भी कर रहे हैं, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ
शुरुआत कीजिए और अपनी वाइब्रेशन को हाईएस्ट सेट कीजिए।